देखिए असलियत यह है कि त्रिशूल तो एक नहीं कई त्रिशूल हैं, और जो त्रिशूल हम लोग साधारण कमीशन में देखो मिले हैं दीवारों पर छत्र की आकृति में त्रिशूल मिले हैं, और जो DGPR मशीन लगाया गया है उससे हालांकि पुरातत्व विभाग वाले हम लोग को बता नहीं रहे हैं, लेकिन हम लोग अपने से देख रहे हैं, वहाँ पर मौजूद है, एकदम अलर्ट होकर के देख रहे हैं, तो बहुत सारे तथ्य हैं, आज बहुत सारे तथ्य आपको मिलेंगे। हो सकता है और बड़ा रडार वडार मशीन उसे लगाया जाए, क्योंकि ब्यास जी के तहखाने में कहा गया है कि कई ठे शिवलिंग हैं जिनकी पूजा कर रहे थे लोग, उसको मलबे से ढक दिया गया है। पश्चिमी दीवार पर जो मलबा ढका है वहाँ गुंबज के अवशेष हैं जिसको वहाँ पर ढक दिया गया है, तो अब मशीन लगा करके उस मलबे से उन लोगों को बाहर निकालने का प्रयास किया जाएगा। हम लोग ये फोकस करेंगे, क्योंकि बिना क्षति पहुंचाए सर्वे करना है, जो स्ट्रक्चर का कोई क्षति न पहुंचाया जाए। अगर सनातन धर्म रिलेटेड कोई चीज वहाँ मिलती है तो उसको संरक्षित करने के लिए अलग से फिर उसमें निश्चित देंगे, क्योंकि इनका असहयोग करने का मतलब कि ये कहीं ना कहीं उसको हमारे सबूत को नष्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम तो वहाँ जा ही रहे हैं, यही अपना नमाज करने पूजा करने या नमाज पढ़ने जाते हैं, तो नष्ट कर सकते हैं, विश्वास नहीं किया जा सकता है। ऐसा मुझे सुनने को मिला है, हमसे कोई संवाद तो होती नहीं है, संभावना भी नहीं है, लेकिन ऐसा सुनने को मुझे मिला है कि वो आज सहयोग नहीं कर रहे हैं कमीशन में, ऐसा सुनने को मिला है। ऐसा एक ही चीज़ है कि सत्य का सामना वो नहीं कर पा रहे हैं, और जान रहे हैं कि सत्य सामने आ जाएगा, तो सत्य सामने आ जाएगा तो मैं वहाँ न रहूँ तो अच्छा रहे, हमको यही लगता है।